अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेल स्लीव्स के कटिंग और स्टिचिंग। हमें सबसे पहले फैब्रिक लेना है। हमने फैब्रिक ले लिया है। अब हमने ऊपर से इसकी मेजरमेंट करनी है, जो हमारी तकरीबन 13 इंच की हमने इसकी लंबाई लेनी है अपने स्लीव की। ये हमारी स्लीव की लंबाई है। इसके आगे जो हम लगाएंगे वो फ्रिल लगाएंगे, और हमने जो स्लीव की चौड़ाई लेनी है हम ऊपर से मेजरमेंट कर लेंगे। नीचे तक हमें मैक्सिमम 8.5 चाहिए अपनी स्लीव की चौड़ाई। इस पर हम मार्क कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले ऊपर से जो आर्म होल लेना है, जो मैं आर्म होल के निशान लगाने हैं, वो 3 इंच ऊपर से ले लिया, और नीचे से हम ले लेंगे 3 इंच। अब हमने इन ये जो ऊपर और नीचे से निशान लगाए हैं, हमने इंच स्ट्रिप रख के इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम फिर इसकी स्लीव की शेप दे लेंगे इसको, जो हमारा स्लीव का हल्का सा कर्व आता है। ठीक है, ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अच्छे से इसको सेट कर लें। अब हमने आर्म होल की हमारी लग गए निशान। अब हमने अपने जो स्लीव 13 इंच निशान लगाया था, वो उसको आगे से मेजरमेंट करेंगे अपने स्लीव को। ये आस्तीन जो होती है हमारी, उसकी आगे से मोहरी से बोलते हैं। जितनी हमारी हमने कटिंग में रखना है उतने ले लेंगे। हमें यहाँ पे 6.5 इंच आगे से इसकी चौड़ाई चाहिए स्लीव की। अब हमने जो लंबाई चौड़ाई के लगाए थे निशान, उसको हमने मिलाकर इसको मार्क कर लेना है। आप ये स्केल से भी लगा सकते हैं निशान। ठीक है, हमने अच्छे से इसके मार्क कर लिया इसको कपड़े को। अब मैं इसकी कटिंग, हमने कपड़ा लेना है जो हमने आगे फ्रिल बनानी है, और कपड़े को हमने इस तरह चकोर हम कपड़ा लेंगे, इसको हमने फोल्ड कर देना। ठीक है, इसकी तकोन सी बन जाएगी। अब हम इस तरह इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, हमारी इस तरह ही ट्रायंगल में हमारी शेप बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने स्लीव जो लेना है अपना, उसको हमने जहाँ पे ये स्लीव की फिटिंग आ रही है, इस पे हमने निशान लगाना है। ठीक है, अब हमने 6 इंच पे रख के निशान लगाने हैं अपने बेल कट के, जो आगे फ्रिल लगेंगे। ठीक है, अब हम इसकी गुलाइयाँ कर लेंगे। ये हमारा पूरा बेल की जो है फ्रिल आगे से वो तैयार हो जाएगी, और जहाँ पे हमने मार्क किया है उसे 1/2 इंच थोड़ा सा ले यहाँ पर एक्स्ट्रा आप कपड़ा कटिंग कर लें। चलें हम अब हमने ये जो स्लीव है इस पे भी छोटा सा कट लगा लें, और ये जो इसके दरमियान में से है इस पे भी आप छोटा सा कट लगा लें। कट लगाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसकी स्टिचिंग होनी है।
अभी जो हमारे कट लगे हैं इसको हमने इस तरह रख के इस पर सिलाई लगा देनी है। फ्रिल जो हमारी अटैच हो गई है स्लीव के साथ, ये देखिए अब हमने ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पर बारीक बारीक सिलाई लगा के मोड़ना है इसको। सबसे पहले मैं एक सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी, सिंगल सिलाई हमारी लग गई है। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है और किनारे पर दोबारा एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्लीव जो होती है ये गोलाई में कटी होती है, इससे इसकी बहुत अच्छी शेप आती है। चले हम अब इस पर डबल सिलाई लगाएंगे दोबारा। आगे वाली भी सिलाई हमारी लग गई है, ये देखें अब इसको हमने अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देनी है। ठीक है, इस तरह हम अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे पूरे स्लीव पर। तो व्यूअर्स हमारा ये बेल्ट स्लीव बन के रेडी हो गया है। देखें कितने नीट ये जो हमने लगाई है इसके ऊपर स्टिचिंग अपनी डबल, पहले सिंगल लगाई है फिर हमने इसके ऊपर डबल लगाई, उससे कितनी नीटनेस आ गई है और ये गुलाई में बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और इसकी शेप देख लें, बेल शेप है इसकी आगे से, ठीक है, और देख लें पूरी इसकी स्लीव की लुक। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ लग गई होगी कि हमने अपना बेल स्लीव किस तरह बनाना है अपने। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। के व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़, वो हमें याद रखिएगा।